नमस्कार भाइयों बहनों, मैं हूं डॉक्टर नितिन चौहान, सीनियर कंसल्टेंट इन इंटरनल मेडिसिन एंड डायबिटोलॉजिस्ट इन सिम्स हॉस्पिटल। टुडे इज 14th November एंड वी सेलिब्रेट 14th November एज द वर्ल्ड डायबिटीज डे। द थीम फॉर द वर्ल्ड डायबिटीज डे 2024 इज ब्रेकिंग बैरियर्स, ब्रिजिंग गैप्स, यूनाइटिंग टू स्ट्रेंथन डायबिटिक वेलबींग। दिस थीम हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ डायबिटीज एंड एंश्योरिंग दैट एवरीवन हु हैज डायबिटीज और हु हैज बीन डायग्नोस्ड विद डायबिटीज, ही और शी शुड हैव एक्सेस टू द क्वालिटी केयर एंड ट्रीटमेंट। अगर हम बात करें डायबिटीज की, तो डायबिटीज दो प्रकार की होती है, एज मोस्ट ऑफ अस नो, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 जो कि यंग एज पे देखी जाती है, बेसिकली बिकॉज ऑफ इंसुलिन डेफिशिएंसी, पैंक्रियास से इंसुलिन नहीं बनता है, इसकी वजह से डायबिटीज हो जाती है। टाइप 2 इज बिकॉज ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस, जो कि एडल्ट में देखी जाती है, एंड मेन फैक्टर जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस की, दैट इज द सेंट्रल ओबेसिटी, दैट इज एब्नॉर्मल ओबेसिटी विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब हम बात करें कॉमन सिम्टम्स की जो देखे जाते हैं, ज़्यादा भूख लगना, ज़्यादा प्यास लगना, बार बार पेशाब आना, थकान होना, वजन कम हो जाना, जख्मों का जल्दी ना भरना, बार बार इन्फेक्शंस होना, ये कॉमन लक्षण हैं, कॉमन सिम्टम्स जो कि हमें डायबिटीज पेशेंट्स में देखे जाते हैं, जिसको हम पेशेंट लेके आते हम कह सकते हैं कि वी कैन थिंक ऑफ दैट पेशेंट मे हैव डायबिटीज। रिस्क फैक्टर की बात करें तो एनी पेशेंट मोर देन 40 or 45 ईयर्स ऑफ एज, दोज हु आर ओबेस और ओवरवेट, फिजिकली इनएक्टिव हैं, कोई भी पेरेंट या सिबलिंग हु हैज डायबिटीज, एनी पेशेंट हु हैव एबनॉर्मल ब्लड प्रेशर लेवल्स, एबनॉर्मल लिपिड लेवल्स, हिस्ट्री ऑफ प्री डायबिटीज, हिस्ट्री ऑफ जेस्टेशनल डायबिटीज, दी आर द कॉमन रिस्क फैक्टर्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द डायबिटीज इन एनी पेशेंट। अब हम बात करें कॉम्प्लिकेशंस की, तो देयर आर थ्री मेन कॉम्प्लिकेशन जो कि हम हर पेशेंट में देखना चाहते हैं। वो डायबिटीज जो होते हैं ये अफेक्ट करती है माइक्रो वेसल्स को इनिशियली, तो इट अफेक्ट्स रेटिना आंखों में, तो इट्स लीड टू डायबिटिक रेटिनोपैथी, इट अफेक्ट्स द किडनीज लीडिंग टू नेफ्रोपैथी, एंड अफेक्ट्स द न्यूरॉन्स लीडिंग टू द न्यूरोपैथी। तो दीज आर थ्री कॉम्प्लिकेशन जो हमें डायबिटिक पेशेंट्स में देखी जाती हैं, और हमें वी शुड सर्च फॉर दीज डायबिटीज कॉम्प्लिकेशन एनी पेशेंट कमिंग टू अस। मेन जो हमारा जो मकसद है वर्ल्ड डायबिटीज डे का, इज टू मेक द पीपल अवेयर, उनको अवगत कराना कि दे शुड हाउ एक डायबिटीज कॉम्प्लिकेशन से फ्री अपनी लाइफ जी सकें, और इस चीज़ को अचीव करने के लिए दैट दे शुड हैव अ डायबिटीज कॉम्प्लिकेशन फ्री लाइफ ABC, दीज आर इंपॉर्टेंट। ए मीन्स HbA1c, जो उनका बहुत अच्छा कंट्रोल रहना चाहिए, लेस देन 7 और लेस देन 6.5 दे शुड हैव HbA1c। ब्लड प्रेशर की बात करें तो इट शुड मेन लेस देन 130/90। देन कोलेस्ट्रॉल की बात करें, सी फॉर कोलेस्ट्रॉल, LDL शुड रिमेन लेस देन 100, एंड लास्ट डी फॉर स्टैंड फॉर डिसिप्लिन, डिसिप्लिन इन द फॉर्म ऑफ दे शुड हैव 150 मिनट्स ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज पर वीक इन द फॉर्म ऑफ ब्रिस्क वॉकिंग, साइकिलिंग इन एनी फॉर्म और एनी एरोबिक एक्टिविटी। दे शुड रिड्यूस फैट्स, सैचुरेटेड फैट, ज़्यादातर कंज्यूम करें ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, होल फ्रूट, होल ग्रेन्स, और जो भी अमाउंट लें दे शुड टेक थिंग्स इन स्मॉल प्रपोर्शंस। दे शुड एनी पेशेंट जो विद ओवरवेट और ओबेस, दे शुड रिड्यूस 5 to 10% ऑफ देयर बॉडी वेट, दे हैव टू गेट इट रिड्यूस फॉर द जिससे कॉम्प्लिकेशन डेवलप ना पाए, जैसे डायबिटीज उनकी कंट्रोल में रहे। तो दीज आर थिंग्स जो हमें करनी है अपने, और हाँ, ये शुड अवॉइड एल्कोहल एंड टोबैको, दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट मेजर्स। तो मेन थिंग इज वॉट, मैं अब सब लोगों से कहना चाहता हूँ कि डायबिटीज से डरने वाली बात नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। अगर आप डायबिटीज को अपने कंट्रोल में रखेंगे, नियंत्रण में रखेंगे, तो आप एक कॉम्प्लिकेशन फ्री अच्छी लाइफ जी सकते हैं। और बहुत से पेशेंट्स हैं जो कि 95 दे आर लिविंग अराउंड 100 ईयर्स ऑल्सो, बिकॉज दे हैव, उन्होंने अपनी डायबिटीज कंट्रोल में कर रखा है। और कंट्रोल करने के लिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जीवन शैली में बदलाव लाना बहुत जरूरी है, अपने खाने पीने में बदलाव लाना बहुत जरूरी है, अपनी एनुअल चेकअप कराते रहना, अपनी दवाइयों को टाइम से लेते रहना, अपने डॉक्टर से प्रॉपरली टाइम से कंसल्टेशन रहना, क्योंकि टाइम टू टाइम दवाई की मेडिकेशन की जो रिक्वायरमेंट वो भी चेंज होती रहती है। तो ये कॉमन चीज़ें जो हमें अपने जीवन शैली में लगा के रखनी है, जिससे हम डायबिटीज़ को अपने नियंत्रण रख सकते हैं और इसी कॉम्प्लिकेशन से फ्री लाइफ जी सकते हैं। बाकी सिम्स हॉस्पिटल है आपके ब्रजवासियों के लिए मथुरा में, जो कि डायबिटीज से रिलेटेड सभी कॉम्प्लिकेशन और सभी सेवाओं के लिए ये तत्पर है 24 घंटे। धन्यवाद।